हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी, मेरे पास व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था आज, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी और मुझे जाना होता है 10 बजे, 10:15 बजे मैं निकल जाती हूँ घर से, और 1:30 या 1:30 के करीब मैं आती हूँ। तो इसलिए और मुझे बिल्कुल लेट हो गया था, मैं जाती हूँ कहीं और अब, क्योंकि मैंने भाई एक बार मैं अभी की बात है मैंने दो पता नहीं दो सूट थे और दो सूट सलवार थे और एक सूट था, तो मैं ये सिलवाने गई थी कहीं पे, तो उसने मेरे 2000 रुपये बना दिए। तो मैंने वहाँ से सूट भाई वापस अपने उठा लिए। मैंने सोचा कि मेरे को मशीन तो आती है ही, तो क्यों ना मैं अपने फिर से एक बार भाई, जैसे 6-7 साल हो गए मेरे को सिलाई छोड़े, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने भाई सिलाई फिर से थोड़ा बहुत हाथ साफ करती हूँ, तो मैं वहीं जाती हूँ सेंटर पर। इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था अभी ये व्लॉग बनाने का, और इसलिए मैं दिन में कोई व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि फिर 1:30 के करीब मैं आती हूँ, फिर दोपहर हो जाती है, थोड़ी देर लेट जाते हैं, फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपके साथ और कोई भी भाई जैसे मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बैंगन भून लिया है, मैं लहसुन टमाटर हरी मिर्ची भी मैं यहाँ पर भून रही हूँ। बहुत से होते बैंगन के अंदर ही डाल देते हैं लहसुन मिर्ची को, लेकिन नहीं, मैं अलग से भून रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने लहसुन को छील लिया है, यहाँ पे मेरा टमाटर भून रहे हैं, तो लहसुन मेरा भून चुका है और हरी मिर्ची भी मेरी भून गई है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने दो नाव में पैर रखा है, तो पता नहीं कब पार उतरेंगे या बीच में डूब जाएंगे, ये भी नहीं पता है। तो जी, आज लोहे की कढ़ाई में मैं इसको बनाऊंगी, तो इसको मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जंग लग जाता है लोहे की कढ़ाई में, पता नहीं कैसी आती हैं। पहले जब मेरी दादी के पास हुआ करती, हम छोटे छोटे देखा करते थे, बिल्कुल चिकनी रहा करती, और यहाँ पता नहीं क्यों जंग लग जाता है इनके, बिल्कुल मांज के ही लेना पड़ता है इनको। तो जी, मैंने इसको साफ़ कर दिया है, तो इसको मैं छील लेती हूँ बैंगन को। मैंने तेल भी नहीं लगाया, बहुत से लोग तेल लगा के भूनते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही धो के ऐसे ही रख दिया था, तो इसको मैं यहाँ पर छील रही हूँ। एक बात और, बैंगन का भरता मैं तभी खाती हूँ तब मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर रहता है इसके अंदर भाई, जानते हो क्या निकल जाता है। तो इस चक्कर में मैं इसको बहुत देख दाख करके ही, अभी भी मैं बहुत कम खाऊंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता, पता नहीं क्यों बैंगन को देखने के बाद ये भून जाता ना, तो मैं बहुत डरती हूँ उस चीज़ से। तो भाई, मैंने इसको छील लिया है, तो इसको मैं अब धो दूँगी छीलने के बाद। टमाटर भी भून गए, मैं लहसुन भी और हरी मिर्ची भी। तो जी, अब मैं डाल लेती हूँ कढ़ाई में तेल, और खुशी ने लगा दिया पोचा, क्योंकि खुशी के भाई जैसे छुट्टियाँ हैं ना, एग्जाम स्टार्ट है, तो बीच में सुबह मेरा एक काम थोड़ा बहुत करवा देती है बेचारी, फिर दिन में अपना पढ़ लेती है। तो भाई, मैंने अपना कूड़ा डाल दिया थैली के ऊपर, जो आपको पता है कि मैं डब्बा वब्बा नहीं रखती, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो एक खुशी ने ला के दिया मेरे को प्याज, तो जी मैं प्याज को छील लूँगी यहाँ पर। बैंगन भी मैंने धो लिया है, और अच्छे से मैं यहाँ पर आप देख रही हूँ बिल्कुल बहुत ध्यान से, क्योंकि जल्दी है, कहीं जल्दी में कोई मंगल ना हो जाए यहाँ पर। तो भाई, मैंने इसको धो दिया, छील दिया, बिल्कुल साफ बैंगन है, बिल्कुल बिल्कुल ही साफ था। तो यहाँ पे अब मैं प्याज छील रही हूँ फटाफट, और बिल्कुल टाइम से भी आगे जाने वाली बात है, तो मैं रोटी खा के नहीं जाऊँगी आज, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा इसलिए। तो बैंगन धो दिया मैंने, प्याज भी छील रही हूँ। प्याज मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं बैंगन के अंदर, प्याज ही मेरे को अच्छे लगते हैं, जो ज़्यादा प्याज डलता है ना वही खाने में बहुत स्वाद लगता है। तो देखिए, मैंने तेल डाल दिया, ये मेरा ये जीरा और कलौंजी और हींग मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जल्दी जल्दी बिल्कुल जीरा थोड़ा ही ले पाई मैं। तो मैंने डाल दिए प्याज, तो प्याज तो बिल्कुल काला वही बात है, बिल्कुल भूनना नहीं होता यहाँ पे, हल्का हल्का छोटे करना होता। तो ये मैंने मटर निकाल लिया फ्रिज से, और ठंडी है बिल्कुल, इसमें पानी डाल के इसको रूम टेम्परेचर पर ले आती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैं। तो प्याज के अंदर ही मैं इसको डाल दूँगी। तो देखिए, इधर मैंने जो लहसुन भुना था ना, इसको मैं यहाँ पर कूट रही हूँ, और ये बैंगन और हरी मिर्ची जो मैंने भुनी थी वो आप यहाँ पे कूट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं कूटा, क्योंकि हमारे के पापा को मिर्ची खानी नहीं है, तो इसलिए मैं मिर्ची ऐसे ही डाल दूँगी। तो यहाँ पे मिर्ची और लहसुन और कूट सकते हैं, और फिर बैंगन कूट सकते हैं यहाँ पे। तो जी, आप कूटते हैं अपना भुना हुआ बैंगन, तो इसको यहाँ पर खूब अच्छे से मैं कूट लूँगी। तो जी, बीच बीच में मेरे को अपने प्याज ही संभालने होते, क्योंकि कहीं यहाँ पर ज़्यादा भाई रेड ना हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी भाई मटर, क्योंकि कैमरा पता नहीं टेढ़ा कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कैमरा टेढ़ा हो चुका था। तो ये थोड़ी सी क्लिप मेरी बीच में निकली है यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे मटर को मेरे को भूनना है, ये चटक जाती है, तो इसको कवर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगी, मटर सबको पता ही होता है। तो भाई, यहाँ पर मैं इसको यहाँ फटाफट चला रही हूँ, और वही बात है, मेरे को जाना भी है, तो इसलिए तो मैंने बिना जो भुने हुए टमाटर थे मैंने ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिए यहाँ पे।
दो रखा मैंने। ओ तो जी आपने देखा होगा, मैंने टमाटर डालने के बाद मैंने नमक और हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया था, और टमाटर को मैंने साबुत ही डाल दिया था ऐसे पूरा भून के, और उससे चम्मच से तोड़ तोड़ के मैंने उसको ऐसा बनाया। इससे अच्छा लगता है क्योंकि कोई कोई टुकड़ा बाइट्स आता है तो बहुत स्वाद लगता है, इसलिए मैंने ऐसे किया था। और लास्ट में मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है, तो ये मेरे बैंगन का भरता था। इसको यहाँ फुल हाई फ्लेम पर मैं करके भून रही हूँ, इसका पानी होता बिल्कुल सूख जाना चाहिए यहाँ पर। तो जी यही था मेरा व्लॉग। अगर नहीं बनाती तो ये सोचती कल क्या डालती, और कुछ मैं बना नहीं पा रही हूँ, घर का रूटीन कुछ भी नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रह पाता इसलिए। और भाई सिलाई वालों ने तो बिल्कुल बुरा हाल मचा रखा, मन मर्जी के रेट बना रखे हैं, तो मैं अपना हाथ अपने यहाँ, मेरे को आती सिलाई तो भाई मैं अपने क्यों ना मैं अपना हाथ फिर से अजमाऊँ। तो जी मैंने यहाँ पर काट के हरा धनिया डाल दिया है, तो जी आपको दिखाती हूँ मैं, इसमें से मेरे को निकालना हो कढ़ाई में से, क्योंकि लोहे की कढ़ाई सब्जियों को काला कर देती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरी राम राम सारे आना है।